हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रभात ट्रेडिंग सर्विस में। स्वागत है आपका हमारे सेगमेंट में जिसका नाम है कल की तैयारी। आज में डेट रहेगी 1 फरवरी 2020। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कल हमारा यूनियन बजट है, तो कल की डेट में मार्केट बहुत वोलेटाइल रहने वाला है। आज हम पूरा कल की तैयारी करने वाले हैं। दैट मीन्स कल के डेट में, मतलब बजट के डेट में क्या कर सकता है मार्केट। देखिए, बजट 11 बजे से अनाउंस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बजट का जो स्पीच है वो 11 बजे से अनाउंस हो जाएगा। तो प्री बजट क्या होगा, पोस्ट बजट क्या होगा, आज सब ये सब चीज़ें हम जानेंगे आज की वीडियो में। हम पहले चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, ठीक है, कि निफ्टी और बैंक निफ्टी किस प्रकार से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पे। देखिए, निफ्टी जो है, अभी निफ्टी ने अपना 12,000 का लेवल तोड़ दिया है, राइट, ठीक है। अब जो लेवल टूटा है, अब कहां पर सपोर्ट है निफ्टी का, एग्जैक्टली यहां पर सपोर्ट है। मेरी बात सुन रहे हैं आप, यहां पे ये हर बार बाउंस लिया है, करीबन एक बार बाउंस लिया, दो बार बाउंस लिया और तीसरी बार ये फिर से यहां पे। अब क्या करेगा कल आपको पता लगेगा। मतलब 11,950 का जो क्रिटिकल लेवल है उसके पास निफ्टी आके खड़ा हो चुका है, ठीक है। देखिए, दो चीज कर सकता है निफ्टी, ठीक है, ड्यूरिंग द बजट, मतलब बजट से पहले क्या करेगा। ये देखो, इसका प्रीवियस सपोर्ट है निफ्टी का कितने पे है, ये हमारा 12,800, 11,850। अगर मार्केट को लगता है कि बजट में मार्केट के लायक कुछ नहीं है, तो बजट क्या करेगा, 11,850 पे आ जाएगा, ठीक है। टाइम नहीं लगेगा, तुरंत मार देगा। ये जो जो डाउन साइड मूव है, जो 100 रुपया मूव है, ये तुरंत मार देगा 100 से 150 रुपया नीचे, ठीक है। अब देखिए, 11,850 पे इसका हमारा दूसरा क्रिटिकल सपोर्ट है, ठीक है। तो अगर 950 का लेवल टूटा, 11,950 का लेवल टूटा, तो 11,850 आने में देरी नहीं लगेगी, ठीक है। और अगर 11,850 का लेवल टूटा तो निफ्टी फिर वहां से ड्राइव हो जाएगा 11,700 और 11,600 के लेवल के लिए, ठीक है। अब वही है कि जो हम एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कल के डेट में, अगर एक्सपेक्टेशन के साथ अगर बजट हमारा हुआ, तो मैं आपको बता दूं निफ्टी यहीं से सपोर्ट लेके, 11,950 पे सपोर्ट लेके ये चला जाए, आपको बता दूं मैं, निफ्टी 12,100 और 12,200 का लेवल तुरंत ही अचीव कर लेगा, ठीक है। तो अब वही है कि देखिए, प्री बजट क्या होता है या पोस्ट बजट क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको निफ्टी को बता दिया कि निफ्टी पे क्या हो सकता है। देखिए, अब जिस प्रकार की कमेंट्री आएगी, जो बजट, जो मार्केट अभी बजट में लेके चल रहा है कि हाँ यार अच्छी चीज होगी, तो फिर मार्केट को, फिर निफ्टी को यहां से 250 से 300 पॉइंट बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया निफ्टी का, राइट। बात करें यदि हम बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी कहाँ पे है। बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली 30,000, क्या कहते हैं, बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली 32,000 के नीचे क्लोज हो रहा है। अब देखिए, अब आज तो बैंक निफ्टी क्यों टिका हुआ था, क्योंकि कोटक बैंक में जो न्यूज आई थी, ठीक है, उस चक्कर में वो आज बैंक निफ्टी को उसने थोड़ा सा टिकाए रखा। अदरवाइज अब देखिए, कल सेम चीज वही हो सकती है कि अगर कल अच्छा आया बजट में कुछ, तो बैंक निफ्टी यहां से फिर 32,000 के फिर ऊपर निकल जाएगा, जो कि 32,500 और 32,600 चला जाएगा अगर बजट में अच्छा आया। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी को लगता है कि बजट में उसके लिए कुछ नहीं है, तो क्या करेगा बैंक निफ्टी, ये जो आप रेंज देख रहे हैं, जो बैंक निफ्टी का जो क्रिटिकल सपोर्ट है, दैट इज कॉल्ड 30,500, ये लेवल याद रख लीजिए। अगर ये लेवल टूट गया, तो मैं बैंक निफ्टी आपको बता दूं, फिर 30,000 और 29,500 का लेवल तुरंत मिनटों में दिखा देगा, ठीक है। तो अब वही है कि किस प्रकार का कमेंट्री होती है बजट में, ठीक है। तो हम जान चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू कल के डेट में। देखिए मार्केट, मार्केट पोस्ट, देखिए मार्केट प्री बजट, मतलब 11 बजे से पहले कुछ और हो सकता है और 11 बजे के बाद कुछ और रिएक्शन कर सकता है, तो आपको कॉशियसली काम करना है। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। थोड़ा हम जान लेते हैं कि कल के लिए, मतलब वो कौन से दो स्टॉक हो सकते हैं जो थोड़े बहुत, मतलब बजट को देखते हुए अच्छा मूव देंगे, राइट। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और जो भी नए आए हो सब्सक्राइब करते रहिएगा हमारे चैनल को, ठीक है। देखिए आज की जो वीडियो है, ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मार्केट में नॉलेज कितना मैटर करती है, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट में
मेंटरशिप कितना जरूरी है, ठीक है। हमने जो दो स्टॉक दिया था उसका परफॉर्मेंस भी जानने वाले हैं आज की वीडियो में, तो बने रहिए एंड तक, ठीक है ना। तो जो पहला स्टॉक है मतलब हमारी लिस्ट में, उसका नाम है SBI। देखिए SBI का रिजल्ट आया है, अच्छा रिजल्ट आया है। SBI अपने क्रिटिकल सपोर्ट से बाउंस किया है जो कि था 310। 310 पे इसने कितनी कितनी बार सपोर्ट लिया, करीबन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार सपोर्ट लिया है, हर बार बाउंस किया है। खुद देखिए आप, अब क्या करता, अब क्या करेगा। हम चलते हैं थोड़ा इस पर, कितने, अब हम चलते हैं कितने मिनट के चार्ट पे, अब हम चलते हैं इसके 30 मिनट के चार्ट पे। देखिए 30 मिनट के चार्ट पे एक रेजिस्टेंस के पास है। अब क्या करना है, अगर यहाँ पे हमको डिप मिलता है, जब तक 310 के ऊपर रहे, 310 का आप लगा लीजिए सेल, और आपको यहाँ पे बाय करके चलना है। अगर SBI में 320 का लेवल निकलता है, 320 के ऊपर कैंडल बंद होता है, तो 323, 326 का आपको हाई देखने को मिल जाएगा कल के डेट में। तो 326, 323 आपका टारगेट होगा SBI में। रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बढ़िया हैं। और आज जो जो थोड़ा जो अपमूव हमें देखने को मिला था मार्केट के दौरान, ये SBI के चलते मिला था। तो SBI के रिजल्ट अच्छे हैं, कल हमें और अच्छी खासी अपमूव फॉलो अप बाइंग देखने को मिल सकती है। दोस्तों दूसरा स्टॉक जाने से पहले एक अनाउंसमेंट है, हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग बैच स्टार्ट हो गया है दिल्ली का, ठीक है, जो कि होने जा रहा है 9th, जो कि होने जा रहा है 2nd ऑफ फेब और 9th ऑफ फेब को। डेट आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है, और 16 फेब को हम इलाहाबाद आ रहे हैं। जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। HUL के रिजल्ट काफ़ी अच्छा आए हैं, तभी हमने इसको सेलेक्ट किया है। हमें अब थोड़ा देखिए, लिमिटेड रिस्क है हमारे पास, क्या करना है। HUL ने यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट लिया है, करीबन 3 बार सपोर्ट लिया है इस लाइन पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस लाइन का SL लगाना है। कितने का SL लगाना है, 27 का SL लगाना है। जब तक इस लाइन के ऊपर रहे बाय करके चलना है। अब देखिए, अब HUL यहाँ पे रेंज बनाएगा, फिर यहाँ पे ऊपर कल गैप अप खुलेगा, थोड़ा नीचे आने दें, वहाँ पे बाय करके चल लें, ठीक है। तो अच्छा खासा रिजल्ट आया है HUL में, वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी बढ़िया आई है, राइट, प्रॉफिट इन लाइन आया है एक्सपेक्टेशन के साथ। तो काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट आया है HUL को, हमें कल के डेट में बाय करके चलना है। ये जो आप देख रहे हैं रेंज, 2050 का लेवल टूटेगा तो और फ्रेश रैली स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हमें बाय करके चलना है, कितने कैसल के साथ, 27 कैसल के साथ। और जो आपका कल का टारगेट होगा वो होगा 55 और 2065 का आपका टारगेट होगा HUL में, ठीक है ना। तो जहां तक बात करें अपने पास्ट परफॉर्मेंस की, हमने जैसा कि आपको बताया दो स्टॉक दिए थे, TCS ने क्या किया, बैंड बजा दिया आज TCS ने, ठीक है, अच्छा खासा रिटर्न दिया हमें TCS में। हमने आपको क्या बोला था, शॉर्ट सेल करके चलना है, ठीक है, और क्या हुआ, बजाज ऑटो का आपको पता होना चाहिए, बजाज ऑटो ने अच्छा खासा मूव दिखाया। So, इसे ही कहते हैं, मैं इसीलिए आपको कहता हूं, लर्निंग पे फोकस कीजिए, कॉल्स के पीछे मत भागिए, कॉल्स के पीछे मत भागिए, कॉल्स कभी भी आपका भला नहीं करने वाली है। क्या आपका भला करेगा, राइट मेंटरशिप करेगा, ठीक है। और PTS जो है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमसे ही लाइक मेंटरशिप लीजिए, आप चीजों को पता कीजिए, ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे वो आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम आपके भले के लिए काम कर रहे हैं। पहली बात, हम बोलते हैं कि अगर आपके पास फंड की व्यवस्था नहीं है, आप हमारे स्टॉकों पे काम कीजिए, उससे जो प्रॉफिट बनेगा उससे हमारी फीस पे कीजिए, लेकिन लर्निंग जरूर कीजिए, ठीक है। हमने सबसे अफोर्डेबल फीस में ऑफलाइन ट्रेनिंग लॉन्च की है, ऑनलाइन ट्रेनिंग लॉन्च की है। हमसे कम रेट में, कम फीस में सिखाने वाला आपको और कोई नहीं मिलेगा, मैं इतना गारंटी देके बोल सकता हूं। आप हमारे रेट कंपेयर कीजिए और बाकी के रेट कंपेयर कीजिए, आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। वी आर नॉट प्रॉफिट इंटेंसिव कंपनी, हम क्या है, हम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद। टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं आप, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर रखा है। जय हिंद आप सबको।